उसके बेचारे का खुद का कोई नहीं, इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकल सकता वो, आपका वजीर आजम। हमारे 403 सूबे हैं, हमारे पूरे मुल्क में हुकूमत है। उसको कौन दो फुटे वजीर आजम मानता है? अब नहीं, उसका दो फुट तो नहीं है ना, ये तो आप ज्यादती कर रही है ना, ये तो ऐसे तो ना करे ना। इतना सही है बस, डिग्गी में छुप जाता है कितना बड़ा होगा। तो डिग्गी में छुपने से कद छोटा हो जाता है? आप आएंगे डिग्गी में पूरे? हाँ मैं आ जाऊंगा। आप तो पटवारी यहाँ पाई जाएंगे, आप अपने लीडर को बचाने के लिए कहीं भी छुप जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे आपके, वो अकेला नहीं रखता। हम भी ऐसे ही जाते हैं, सफर ही डिग्गी में करना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे आज के बाद सब सफर ही डिग्गी में करो, सीटें छोड़ो, गाड़ी की डिग्गी में सफर किया करो। तो डिग्गी में सफर करना कोई गुनाह है? हाँ, आपका लीडर करता आपके लिए नहीं है। नहीं तो आज तक बचपन में कभी आप डिग्गी में नहीं बैठी? हम ऐसे करतूते करते नहीं, डिग्गियों में छुपना पड़े ऐसा नहीं है हमारे काम। कैसी कैसी करतूत डिग्गियों में छुपने वाली? तो ये तो कुछ देखे ना अमीर। अच्छा, किसी ने पीछे से बोला है कि अमीर लोग कुत्ते बिठाते हैं डिग्गियों में। हाँ, तो वो भी बूट वालों का कुत्ता ही है ना बेचारा। वेरी गुड। कौन से बूट वाला? बूट तो मैंने भी पहने हुए हैं। वो जो पूरे मुल्क के मालिक है ना, उनका कुत्ता ही तो रखा हुआ उन्होंने। वो डिग्गी में छुप छुप के वही चाटने जाता था, आपको नहीं पता था? नहीं, वो डिग्गी में छुप के आपके घर तो जाता नहीं था, वहीं जाता था ना। अजीब बातें कर रहे हैं आप। मेरे घर मरियम थोड़ी रहती है जो मिलने आएगा। आपका दिल तो बहुत है उसको अपने घर रखने का, मगर वो लंदन में रहती है। भाई वो मेरी नानी लंदन में घर खरीदे हो सकता है। मैं आपको चोर नजर आता हूँ? नहीं, आपकी लीडर तो है ना। नहीं, लंदन में तो चोर ही घर खरीद सकते हैं, हम जैसा गरीब नहीं खरीद सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो चोरों से मत बुलाए ना मुझे, इंसल्टिंग है मेरे लिए। कौन सी इंसल्ट? क्या मुझे मरियम नवाज से मिलवाए? आपको नहीं इंटरव्यू दूंगी मैं, चले बाजे। ये क्या बात हुई, पहले 3 घंटे इतनी सिफारिश करा के तो मैंने आपको मनवाया है। क्यों नहीं, नहीं दूंगा। अच्छा, आप इसलिए इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको मरियम नवाज बोला था? अच्छा, एक मरतबा ना, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ गए। अच्छा अच्छा जी, मैं एक दफा आखिरी ख्वाहिश, आप मरियम नवाज को ना आई लव यू बोल। मेरा दिमाग अभी तक ठीक है भाई, क्या हो गया आपको? मैं एवन फील्ड, मेरे सर पे बाल भी है, मुझे हवा भी नहीं लग रही मेरे सर पे। एवन फील्ड वाले फ्लैट में आपके नाम करवा दूंगा, एक दफा से बोलने। क्यों, मैं हराम की कमाई की जगह पे क्यों रहूं, पागल हूं मैं क्या? चोरी है हराम की कमाई का है, आपकी कमाई है, मेरी कमाई है, इन लोगों की कमाई है ना। फिलहाल तो पैसे तो हमारे हैं ना। हां, हमारे हमारे पहले मुल्क में लेके आओ ना, और बड़े गरीब लोगों की जरूरत है। मरियम ने कहा था कि अगर सनम जावेद मुझे आई लव यू बोलते मैं फ्लैट्स पूरे पाकिस्तान के नाम करवा दूं। उसने ट्वीट किया, एक एक ट्वीट किया, उसको फॉलो कर दिया। इतनी हो रहा है कि जो है ना फ्लैट नाम करने वाली, इतनी उसने फ्लैट इसने नाम कर रहे तो जाली ट्रस्ट डीड ना बनवाती वो। क्या चीज? जाली ट्रस्ट डीड ना बनवाती नाम। वो क्या होता है? पटवारी है ना, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, आप मुझे बार बार पटवारी क्यों कह रही हैं? क्योंकि मरियम नवाज के फैन है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इमरान खान आई लव यू फिर तो पटवारी नहीं बोलेंगे? देख के लग नहीं रहा बोलेंगे। हैं? देख के लग नहीं रहा वैसे। नहीं, अगर मैं ऐसे बोलूंगा फिर तो आप पटवारी नहीं बोलेंगे? आप झूठ भी बोल सकते हैं ना।